सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे परम प्रेममय से जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर उभय चरण अरविंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि वार भूमिपात षष्ठंग दंडवत तत्परे कथावस्तु को दिन दिन धरी श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु भातृभगिनी गण को आबाल वृद्ध वनिता समस्त को मोर हृदय सहित सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीतिभरा नमस्कार। बहुत दर्शक भाई भौणी श्रोता बंधु अनुरोध करिछंती जे जीवन रे घटिथिबा किछि अलौकिक घटना कहिबा पाई। विज्ञान जुगर मनीष अलौकिकता को सहज रे ग्रहण करि पारे नाही। अलौकिकता बा चमत्कार सबु क्षेत्र रे संसार मंगल मध्य करि नथाय। पालदौड़ी को सुना चेन करिदबा, गोबर खंड को धरि रसगोला करिदबा, सादा पानी को क्षीर रे परिणत करिदबा, एथिरे समाज रे कोनोसी कल्याण हुए नाही। लोक मानक भ्रमित करा जाए जे चमत्कार देखाए तार हीन स्वार्थ पूरण करिबा पई सेपरि करिथाय। हाँ एंटरटेनमेंट पई भी किछि मैजिक देखा जाए सेथिरे कोनोसी असुविधा नाही, किंतु स्वार्थ पूरण पई एबे ताको बहुत लोक उपयोग करुछन्ती। जणे गोटे चेयर को 10 फुट उच्चतारे जदि झुलेई देला लोक माने ताली मारंती, आश्चर्य हुंती, पैसा मध्य दियंती। जे खेल देखैला तार केवल एथिरे स्वार्थ पूरण हेला, आउ अन्य कहारो तिले मात्र लाभ ही नाही। भगवान तो अनादि कालरु ग्रह नक्षत्र को महाशून्य रे झुलाई रखिछन्ती, ताहा देखि मनीष आश्चर्य हेउछि कि ताली मारुछि कि पैसा देउछि भगवान को। भगवान सबुठारु बड़ एक कथा जानिला परे मध्य मनीष निज को बड़ बोली मने करे। भगवान ए जगत रे भगवान को ठारु केही बड़ नुहंती, भगवान सबुठारु बड़ मैजिक्सियन। आपण माने सृष्टि को लक्ष्य करंतु सबु हेउछि अलौकिक, सृष्टि रहस्य हेउछि अलौकिक। ए माटी उपरे केउठी उर्वर जमि, केउठी अनुर्वर, पर्वत केते उच्च हेला बेळकु सागर केते गभीर, केउठी नदी बही जाइछि केउठी पानी टोपे मिलु नाही से मरुभूमि, ऋतु अनुजाई फूल फळर संभार। एई प्रकृति रे आमे जहा देखुछे, शिशु जन्म हेबा पूर्वरु मा बक्ष रे ता पई अमृतर रस क्षीर भगवान पूर्ण करि दउछन्ति। जणक आदेश रे वर्षा हेउछि, पवन होउछि, आम मुहरे भाषा, चक्षुरे ज्योति, ए सब अलौकिक। से एक अद्वितीय भगवान कर ये हूँ लीला। आम आखिरे ये सब सत्य को देखि आम के चिंता करि पारु नाहंती, ईश्वर केते सुंदर भाव रे ए प्रकृति को तयारी करिछंती। आम मिछ चमत्कार को देखि खुशी होउछंती, आम बोका ना चला। आध्यात्मिक पथरे बाट चालुथिबा भक्त शिष्य को जीवन रे अलौकिक घटना घटे, प्रभु कृपा करंती। भगवान भक्त उपरे कृपा करंती, ताको विपद आपदर अलौकिक भाव रे सहाय्य करंती। जणे सदात्मा जेतेबेले विपद आपदर शिकार हुए सेतेबेले भगवान भक्तर दुख के भी सही पारंती नाही। सज्जन वृंद तार कर्म फल को भक्त भोग करे, पूर्वरे जहा कर्म करिछि, करणीय कर्तव्य जहा करिछि, सेतेरे जो भलमंद मिसिकरि अछि से तार कर्म फल को भोग करे निश्चित। जेतेबेले जीवनर पूर्व स्थिति पूर्वर मंद स्वभाव को परिवर्तन करि ईश्वर अभिमुखी हुए से तार कर्मर फल को भोग करुथिबा बेले ईश्वर विश्वास दियंती जे मु तो पाखे पाखे अछि, तू एहिपरि भल काम करि जा, पूर्वर मंद अभ्यास को छाडि दे। व्यक्ति अनुभव पाइबा परे प्रेरणा पाइला परे सत्यमार्गी हेइ जाए। तेणु भगवान बेले बेले तांको प्रिय संतान को अलौकिक आशीर्वाद दै थांदि। मो जीवनर मु गोटे घटना कहुछि, मोर जीवनर समस्त घटनावली को तो मु बहीरे लेखिकी प्रकाश करि सारिछि, तथापि जहाँ प्रकाश पाइनि सेथरु केतोटी कथा कहुछि। आज गोटे कथा कहुछि, मंत्र शक्ति केमिति मनीष जीवन रे कामरे लागे। मु आगरु केते थरो कहि सारिछि जे पनिपरिबा चाष प्रति मोर गोटे दुर्बलता रहिछि, स्वतंत्र रुचि रहिछि। एते कार्यव्यस्त थाए जे घर ठारु 7 किलोमीटर मंजी दोकान को जाई मंजी आनिबा पई समय बेले बेले मिले नाही। जमि प्रस्तुत करिबा सेतेबेळकु जमी से जो समय रे घटनाटा कहुछि, जमी प्रस्तुत करिबा समय भी गोडी जाई थाए।
तेणु जमी को प्रस्तुत करी ए कम करी से कम करी मु मंजी दोकान को जाई पारु न थाए आमर जने बंधु घर लोक पाखकु आसी थांती से मध्य पनीपरिया चाष करती तांकु मंजी किछि मागिली मो बाड़ी देखी करी से आश्चर्य होइगले गोटी भी घास नाही खूब परिष्कार से कहिले काली पुणी मु तुम गाँ को आसी मोर गोटे काम अछि तेणु आम घर बहुत मंजी अछि निश्चित रूप से आनीदेवी से जे मो चाष को देख भितर ईर्षा करता मुझे ना तेणु से मंजी आनीदे कहले दिन से मंजी आनीदे मंजी लगे भल भाव जत्न कली भल भाव सब जहाँ दबा कथा गोबर आदि सब किसी देली फल अति सुंदर फलिला फल प्रथम फलिले मुझे गुरुद्वार को भी पठाए दिने मंजी दे लोक गाँ को मोर जीवार था भाविली गाँ को जिते जाऊँगी पनीपरिया भी फली था फली था फली न था मत से मंजी देते घर को पर दीटा नईदे मोर कर्तव्य यहाँ गोटे कृतज्ञता गोटाए ब्याग्रे पुरे घरे पहुँची देली से मत पचारे मुझे मंजी देती ए पर से मंजीर फल मुह मारली से आश्चर्य लगे मुखमंडल बिवर्ण होगा मुगुड़ाक देख ली मु लक्ष्य करूँ कि कहू नी मो कम शेष कर चली आसली तापर दिन पुणी से आम घर को आसिले बगीचा आड़े जा बुलिले गछपत्र को देखिले मत कुंड पक कले मु पचारे कौन हो कहले मोर भूल मत क्षमा कर मु किसी बुझीपारे से कहले तुम्हें पर चाष किसी करुच तेणु तुमको मुझे ईर्षा करूली हिंसा करूली रागि जाइली तेणु तीन वर्ष तलर गुड़ाए पुराणा मंजी थी तुमको ठकवाई असुविधे पकईवाई तुम चेष्टा विफल होटा जाणी जाणी मुझ तुमको से मंजीटा देती से गुड़ाक गच उठिला ना बोली मुरा सबूक फोपाड़ी देकर तुमको किसी मुझे नुआ मंजी आणकि मोर चाष कली तुम गच हो फल फलि तुमको मंजी सब तक देलापर दोकान रु नुआ मंजी आनी मुझ लगेली सीटा हबनी बोली से गुड़ाक गच्छी हेले फल फली मत आश्चर्य लगुच तुम तीन वर्ष तलर पुराणा मंजी गच फल फली तुमको भगवान सहाय होती एक कथी से मत कहले कि दिन पर आश्रम को जाए गुरुदेव पाखक किसी पनीपरिया ठाकुर जो मणई प्रस्तुत हुए से गृह देदेली दर्शन करने को गली किसी समय कथबार्ता पर ठाकुर कहते गुरुदेव बाड़ी कौन ए पनीपरिया सब हो मोर मन पड़गला से कथाटा कहली प्रभु से लोक मत पुराणा मंजी दे ठकीदे मो मंजी गच्छा केमी फल फलिला केमी प्रभु कहले तुम्हें प्रत्येक कार्य बीज मंत्र जपुच तो तार फल फलिला वास्तव में मुझे जो काम करे इष्ट नाम गुरु बीज मंत्र जहाँ प्रभु देखते बीज मंत्र से गुरुप्रदत्त बीज मंत्र सब जपु थाए फूल तोलिले गुरुप्रदत्त बीज मंत्र को जपे फूल गोटी गोटी तोलु थी गोटी गोटी मंत्र जपु थाए गाड़ी चढ़ी रास्त जाऊ बीज मंत्र जपे जेकोसी कार्य कला बेले बीज मंत्र को जपे गुरुदेव कहले से पुराणा मंजीरे बीज नाला तुम्हें जपुवा मंत्रे बीज था कथाटा शुणला पर खूब आनंद लगला मु पुनश्च पचारि मंत्रे शक्ति असंभव को संभव कराई दिए ठाकुर कहले विष्णु पुराण पढ़ीच परा प्रहलाद चरित्र तुम मन अच्छे कि ना मुझे हाँ मन अच्छे हिरण्यकशिपु राक्षस राक्षस उरसर प्रहलाद भली भक्त केमी जन्म नेला मुझे अनेक लोक कही भागवत सब कल्पित कहानी पुराण से सब कल्पित कहानी लिखा जाए सत्य नुह मत पुणी से कहले तमें गप भाव ना सत भाव मुझे मौलिक सत्य किसी कथा को अतिरंजित करीति न थी संपूर्ण कल्पना कर कहानी के प्रस्तुत हो पारे ना ठाकुर कहले गप भितर शिक्षा थाए व्यासदेव सत्य तेणु रचित भागवत सत्य विष्णु पुराण मध्य सत्य हिरण्यकशिपु देहरे तामस रक्त प्रवाहित होता कयादु चेष्ट से जिते बड़े बारंबार मंत्र उच्चारण कर उत्तम लग्न शुभ मुहूर्त दैव संजोग घटी कयादु भाव तल्लीन अवस्था हिरण्यकशिपु ठारु शुद्ध बिंदु स्खलित तेणु मंत्र द्वारा मन तरी जाए मंत्र कहुए जो थे मन तरी जाए क्षणिक पछे अमृत तत्व टी शरीर में कार्यकारी होती दुईकर तेणु से प्रहलाद भक्त आसी मानविकतार आ
आहरण पाइ मंत्र दरकार ध्यान भी दरकार निरपच्छिन्न भावरे अन्य मनस्क न होई कार्य संपादन करिबा एक प्रकार ध्यान ध्यान रे मन जदि स्थित न हेला चंचल हेबो व्यस्त हेबो पागलामी देखैबो जदि मनटा स्थित न हेला पुनी मन स्थित हेला पर आउ गोटे पागलामी आसे स्थिर चित्त रे भगवान को प्रति सेटा होची पागलामी भाव प्रवणता गोटे कर्म रे मन को निरवतार सब लगाई रखिबार शिक्षाटा दबो किए केवल आध्यात्मिकता आध्यात्मिक शिक्षा बिना मन को स्थिर करिबार अन्य उपाय नाही शरीर और आत्मा दुईटी मिश्रण रे जीवन अवस्थिति शरीर को तार पोषण दिया जाइछ मन को तार पोषण न देले आत्मार समृद्धि हेबो केमिति मनटि शुद्ध हेबो केमिति आध्यात्मिकता को अस्वीकार कले ईश्वरंकर अदृश्य सत्ता बा शक्ति को अस्वीकार कले मानव सभ्यता सफलतार शीर्ष स्थान रे केबे भी पहुंची पारिबो नाही मानवर वैषयिक शारीरिक मानसिक आउ जो नैतिक उन्नति माने ज्ञान साधन ताको कहा जाए कौन सभ्यता आमे वर्तमान जो उन्नत सभ्यतार उच्चतम सोपान रे पाद देइछंती सेठरे केवल वैषयिक और शारीरिक उन्नति केतक अंश रे देखा जाउछि किंतु प्रकृत आध्यात्मिक उन्नति एपर्यंत हो पारे ना मानसिक और नैतिक उन्नति आदो होना कहले चले आधुनिक सभ्यतार किसी लोक पानी को स्वीकार करते पानी सृष्टिकर्ता को स्वीकार करना दुई गुण उद्जान गोटे गुण अम्लजान तार मिश्रण जल गठित होती दुई गुण उद्जान आ गोटे गुण जल को मिसई जोटा प्रमाणित हो सारी जल को गठन करणीष जी यहाँ गठन कर स्वीकार नक बेईमानी हम विज्ञान या जंत्रपाति मनीष सुख सुविधा पाँच तेणु से विज्ञान को स्वीकार करंत्रपाति जो तैयारी से कंचा माल र मेटेरियाल तार सृष्टिकर्ता को स्वीकार करना तेणु सांप्रतिक समाज अनेक दाम्भिक लोक मान हेतु अच्छी मात्र चेतना ना पिता माता सेवा देवा उचित यह हूँ हेतु किंतु जाणीशु सेवा देना कारण चेतना ना पानी बास कर कुंभीर साथी बैरी हवा भाई यहाँ हूँ कथा ईश्वर को ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड में थी ईश्वर को स्वीकार नक गर्व आदम्भर कारण ठीक सेमती बापा मांग ठार जन्म ही बापा मांग सेवा नदे राधानाथ राय पार्वती काव्य लिखी नथिले कि इच्छन्ति दाम्भिके धरिबाकु हस्ते समस्त भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल हाते बंधा दियंती हेले पासुरी जी जी गर्व दम्भ देखा तार मृत्युर तारीख से कही पार जिते तुम विज्ञान जुगर मनीषा शरीर सुस्थता ग्यारंटी दे पार आसंता का दिन की तार भल कटना मंदिर कटो कौ मनीष कही पार पुओ झी को जो पाठ पढ़ेच से पाठ को नहीं से निश्चित चाकरी टे पाइब एक तार ग्यारंटी अच्छी झील बाहर के सुना गहना फर्णिचर आगुआ सब सजाड़ी रखीच झील बाहर पर्यटन बंचब कि जानच से तुम इच्छा तुम घरे रहा कह सहित निज इच्छा बहुत कर एक भी तुम जान कि तेरे मनीष पाठ पढ़ी विज्ञान उन्नति करते कौन जाणीजे ये दम्ब सजन वृंद निजक निजक निजे आत्मज्ञानी हो चिंता करने दरकार विज्ञान आम को एक सुविधाजनक परिस्थिति में पहुंचाई पारी स्वीकार करिबा दरकार चरम अवस्था रे पहुंचाई पारि नाही जेउठे उन्नति हेउथिबो एवं अवनतिर मार्ग टोटल बंद होई सारिथिबो ताहा होची प्रगति ताहा होची विकास तेणु विज्ञान आमको विकास पथरे आगो को आगे नहीं पारिछि भय शून्य चिंता शून्य शंकाहीन अवस्था पहुंचाई पारि नाही आम जीवन रे आमे एमिति किछि पाठ पढ़ी जहां आम दैनंदिन जीवन रे काम रे लागे नाही पुनी जहां दैनंदिन जीवन रे काम रे लागिबो ताहा आमको केहि पढ़ौ नाहंती आध्यात्मिकतार शिक्षा नाही ना आम पाठ्यक्रम रे आमे प्राइमरी स्टेज रे मिशाण फेड़ान पाठ पढ़ी जिते प्लस टू लेवल रे पढ़िले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव एगुड़ाक पाठ आम पढ़िले से एका विजोग विजोग किंतु गोटे ऊपर स्तर रो कथा आमे दैनंदिन जीवन रे मिशाण फेड़ान रो साधारण भाव रे सबुदिन आम काम रे सेटा लागिला किंतु जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तार काम दैनंदिन जीवन रे कोनसी काम रे आसिला कि जे माने वैज्ञानिक हेले बा ऊपर स्तर रो कार्य कले सेमानक काम रे लागिला किंतु आम काम रे दैनंदिन जीवन रे सेटा लागिला कि रात एते व्यापक हो गला पाठटा एत उपर स्तर में पहुंचला फिजिक्स रूप दिगला जार दरकार ना से बाध्यवाधकत पाठ पढ़ी कि ना जीरो रु ना शून्य रु न पर्यंत रियल नंबर जीवन प्रति क्षेत्र में हिसाब किताब काम लगुच बड़ गणित को प्रमाणित करने गोटे इमाजिनरी नंबर टे भी नाक हुए मन कर संख्या एक्स आम पाठ पढ़ला बेले एगुड़ाक आम पढ़ी कहीं मन कर कहीं कह गणितज्ञ को पचारे भी तार उत्तर से देपर ना मात्र नेबाक हे ना गणित आनुमानिक सूत्र में बड़ गणित को प्रमाण करने जाए ना हम ना
ଠିକ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁମାନ ସୂତ୍ରରେ ମାନିଯିବା କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା କଥା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ପାରିଲା ପଣିଆର ଦମ୍ଭ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଝରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବାଟା ହେଉଛି ବୋକାମୀ। ଯାହାଙ୍କ ଉରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମା ବାପା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମା ବାପାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଜୀବନ ବୃଥା ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ବୃଥା ନୁହେଁ, ଆଶିଷ ମିଳିବନି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଆଉ ବୃଥା, ସେମିତି ଜଗତ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ବୃଥା। ମଣିଷକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଏଇ କଥାଟା ଏମିତି ହଉଛି, କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନିଲେ ସିନା ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, ଧୀର ସ୍ଥିର ହେବ, ବିନୟୀ ହେବ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେବ, ସଂଯମୀ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ଦେବ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନିବେ କେମିତି? ମାନିବା ତ ଗୋଟିଏ କଥା ନା, ମାନିବା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମାନବିକତାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଯେଉଁଠି ଚପଲ ମିଳେ ତାକୁ ଚପଲ ଦୋକାନ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ରାସନ ମିଳେ ତାକୁ ରାସନ ଦୋକାନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନବିକତା ମିଳେ, ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ତାକୁ ସିନା ମଣିଷ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ଦୁର୍ବଳତା, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ନା, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାର ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ଅଛି, ତାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅମାନବିକତା ହଟିଯାଉ, ଆତଙ୍କ ଦୂର ହେଉ, ଭୟ ଦୂର ହେଉ, ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏମିତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଦେଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତେବେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଜି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଲି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର।